जाड़े चल रहे हैं, ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, इतनी कि बहुत भी नाकाफ़ी है। हमारे समय के एक लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमिक हैं जाकिर खान, वो भी कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, होगा मान लिया, मगर ठंड लगती है। इसीलिए 150% का सवाल ये है कि ठंड क्यों लगती है आपको या हमें? नहीं, जनरली ठंड क्यों लगती है, ठंड का विज्ञान क्या है, और जब ठंड लगती है तो हम कांपते क्यों हैं? इसलिए आज की वीडियो में यही सब बात करेंगे। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, न तुम जानो न हम, मगर ठंड क्यों लगती है ये हम जाने हैं, आपको बताते हैं। होता यह है कि ठंड के दिनों में माहौल ठंडा हो जाता है। वाह, क्या अलहदा बात बता दी मैंने। लेकिन कहने का मतलब ये है कि तापमान गिर जाता है। देखिए, स्वस्थ आदमी के शरीर का जो तापमान होता है वो 98.7 डिग्री फारेनहाइट होता है, उसके आसपास। सेल्सियस में हुआ ये 37.05 डिग्री, और बाहर का तापमान ठंड के टाइम पर होता है 10 डिग्री, 15 डिग्री या कभी कभी 5 या 6 डिग्री, जैसा कि आजकल दिल्ली का हाल। यानी शरीर के बाहर का तापमान शरीर के तापमान से कम है। हमारे शरीर का जो तापमान है उसके मैनेजमेंट का जिम्मा है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जो नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के बीच संपर्क साधता है। शरीर का हार्ट रेट, तापमान, भूख, प्यास, स्लीप साइकिल, मूड, सेक्स ड्राइव, ये सब यही हिस्सा तय करता है। हाइपोथैलेमस हमारे मौजूदा तापमान को जांचता है और इसकी तुलना बाहरी तापमान से करता है, जो शरीर के बाहर का तापमान है। और इसके बाद यहाँ लगता है थर्मोडायनेमिक्स का नियम। जब दो वस्तुओं के बीच तापमान में अंतर हो तो ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर स्थानांतरित होती है। आसान भाषा में, बैलेंस के लिए गर्मी हमारे शरीर से बाहर निकलती है, चुनाचे हमें ठंड लगती है। सवाल नंबर दो, कि ठंड लगती है तो हम कांप काहे रहे होते हैं? हमारे शरीर में तापमान के में जो उतार चढ़ाव होता है उसको रिएक्ट करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम का बस एक ही मकसद है, 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना। तो जब हमें ठंड लगती है तो गर्मी पैदा करने के लिए शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जैसे हमारा जो दिल है वो तेज़ी से धड़कता है, यानी हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस तेज़ी से चलने लगती है, एड्रेनलिन और नेरोपेप्रिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं और इसीलिए हम कांपते भी हैं। ब्रेन के पास एक सिग्नल जाता है और उसके बाद हमारी मांसपेशियां डांस करना शुरू कर देती हैं। मांसपेशियां जल्दी जल्दी सिकुड़ती हैं और रिलैक्स होती हैं, यही है कांपना। अब जाते जाते एक बात और जान लीजिए, बहुत लोग डर से भी कांपते हैं, वो क्यों? वो इसलिए कि आपका जो ब्रेन है उसमें एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं अमिगडला। अब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको एक खतरा महसूस हो तब ये ब्रेन का ये हिस्सा एड्रेनलिन छोड़ता है, जैसा हमने पहले बताया था, और कांपना इसी हार्मोन का ये रिएक्शन है। आज की ये वीडियो पुराण जो है इस ठंड की, वो यहीं तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठंड से बचे रहिए। आपके लिए ये वीडियो हम कैमरे पर रिकॉर्ड की थी हमारे साथी प्रशांत ने, और ये सारी जानकारी जुटाई थी मैंने। मेरा नाम है सोमशेखर, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।